हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट, तो इस वीडियो में जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे 15 अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट एक ज्ञापन था जिसमें भारत के लिए एक नई डोमिनियन स्थिति का प्रस्ताव दिया गया था। इसका उद्देश्य भारत के संविधान के लिए एक संघीय सरकार स्थापित करना भी था और अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए कहा गया था। फिर इसमें हम आगे लिखेंगे, सर्वदलीय सम्मेलन ने ही यह रिपोर्ट तैयार की थी। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू सचिव थे। समिति में 9 अन्य सदस्य शामिल थे। तो दोस्तों, ये था इस क्वेश्चन का आंसर एकदम शॉर्ट तरीके से। और आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का पूछा गया है अभी 2023 जून में, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है एक बार अपनी बुक से भी देखें, क्योंकि क्वेश्चन 8 मार्क्स का आएगा तो आप लोगों को 2 और 3 पेजेस इसके आंसर में लिखने होंगे। और साथ ही में दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।